आपको आपको क्लियरली अब पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। आप लोगों को स्पेशली बड़ा दिखे, सब कुछ क्लियरली समझ आए, उस चीज़ को मैंने ध्यान दिया, तो मैंने अब आपके लिए पूरा बोर्ड बड़ा कर दिया, मतलब पूरा ही एरिया आपको दे दिया। अब क्लियरली देखिए, बड़े बड़े डायग्राम में सब समझाओगे, बड़े बड़े लिख कर समझाऊंगी, आप जो चाहते थे वो आपको मैं दूंगी, अच्छी क्वालिटी देना मेरा काम है, मैं दूंगी। चलिए अब आगे देखते हैं, हम समझेंगे आज इस चीज़ के बारे में, लेयर ऑफ द अर्थ। आपको दिख रहा है लेयर ऑफ द अर्थ, अब अच्छे से समझते हैं लेयर ऑफ द अर्थ। ये है लेयर ऑफ द अर्थ, पहला पार्ट में आपने देखा होगा हमने एक सर्कल बनाया था, उसको क्रश मेंटल कोर देखा था, आउटर कोर देखा था, इनर कोर देखा था, उसको हमने डिफाइन किया था। अब उसी का हम दूसरा रूप लाते हैं, ये वाला लेयर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये माउंटेन्स है और ये एक लाइन यहाँ से गया है जिसको बोला जाता है क्रश्ड 0 to 100 किलोमीटर। अब अगर मैं इस जगह से आपको समझाऊं तो अब आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ जो ये इतना लाइन है इस लिक्विड के ऊपर तक, उसे बोला जा रहा है मेंटल। अब लिक्विड और सॉलिड के बीच में आएंगे तो उसको बोला जा रहा है कोर, ठीक है, उसको बोला जा रहा है कोर। और ये पूरा बॉक्स जो है यहाँ पे देखिए, ये जो 2900 किलोमीटर है वो लिक्विड है और 5100 किलोमीटर जो है वो सॉलिड है, और ये वाला जो लाइन है ये एसेंथियोस्फीयर है, ठीक है, एसेंथियोस्फीयर है, ठीक है। अब हम वापस उधर जाते हैं तो अब हमें ये सर्कल मिलता है। अब सर्कल मिल रहा है तो सर्कल क्यों है, सर्कल इसीलिए है कि जो हमने यही गोले के बारे में पढ़ा था, इस चीज के बारे में हमने पढ़ा था, यही चीज थी क्रश मेंटल आउटर कोर इनर कोर, यही चीज आप अगर फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो यही चीज आपको मिलेगी वहां पर, फर्स्ट पार्ट वाला में यही था, पर अब ये डिफाइन कर रहा है इस लेयर को, अब ये इस लेयर को डिफाइन कर रहा है। तो इस लेयर में हमको क्या मिल रहा है, ये जो यहाँ लाइन है उसे बोला जा रहा है मेंटल, ये एक और जो सर्कल दिया है यहाँ ये 2900 किलोमीटर में वो आउटर कोर, और ये जो सर्कल दिया गया है ये जो गया है यहाँ नीचे इनर कोर 6378 किलोमीटर। एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उस एरिया को भी समझा दिया, आपको उस एरिया भी क्लियरली दिख रहा होगा, उस एरिया को भी समझा, इस एरिया को भी समझा। अब थोड़ा हम नीचे जाएंगे तो हम इस चीज को डिफाइन करेंगे, ठीक है गाइस। अब हम देख लिया इसे पूरी चीज, समझ लिया, एक बार आप इसे पूरी क्लियरली देख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा आपको डाउन करती हूँ कि आपको बोर्ड नीचे का भी दिखे। चलिए नीचे की ओर देखते हैं, ये तो हमने अच्छे से समझ लिया, अब नीचे देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। ऊपर हमने वो पूरा डायग्राम देखा जिसमें हमने पहले पार्ट वाले और दूसरे पार्ट के पूरे डिस्कस किए, अब हम नीचे आए तो उसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं, थोड़ा और अंदर तक जाते हैं उसके और उसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। यहाँ था कोर, तो यहाँ मैंने कोर के बारे में लिखा, द कोर इज कंपोज ऑफ टू लेयर, मतलब कोर दो लेयर के लिए बना है, एक आउटर लेयर और इनर लेयर। अगर आप पीछे करेंगे थोड़ा वीडियो को तो आपको डायग्राम में मिलेगा आउटर कोर और इनर कोर, तो वो दो चीज हमने उस डायग्राम में देखा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। और फिर मेंटल में आएंगे तो मेंटल इज ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर, ठीक है। हम एक बार फिर थोड़ा सा आपको डायग्राम क्लियरली दिखाएंगे और उसमें भी इन चीजों के बारे में बताएंगे। कोर मेंटल के बारे में हो गया, क्रश द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ क्रश, जो क्रश है वो टॉप मोस्ट पार्ट रहता है लिथोस्फेयर का, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और एक बार ऊपर और आपको इन तीनों चीजों के बारे में फिर से एक बार समझाते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर ऊपर देखते हैं, चलिए गाइस। हमने देखा अभी कोर का, द कोर इज कंपोज ऑफ टू लेयर्स, वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, द कोर इज कंपोज ऑफ टू लेयर मतलब आउटर और इनर। अब डायग्राम को थोड़ा गंदा करते हैं समझाने के लिए, आउटर और इनर कोर हमने देखा था कोर वाले डेफिनेशन में, वीडियो को पीछे करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में देखा था। अब मेंटल का है, अब थोड़ा डायग्राम को गंदा करके बताते हैं, ठीक है। मेंटल का है, मेंटल का हमने बारे में पढ़ा था 2900 किलोमीटर में मेंटल आता है, कहां पे, ये वाला है मेंटल जो हमने नीचे पढ़ा था, ठीक है। फिर थोड़ा और नीचे जाएंगे क्रश मिलता है, क्रश कहां है हमारा, हमारा क्रश ये है, एक क्रश वहां रहता है, चलिए इसी को ले लेते हैं, ये लिथोस्फीयर,
लिथोस्फेयर का मोस्ट टॉप मोस्ट पार्ट जो क्रश कर रहता है वो लिथोस्फेयर रहता है। ठीक है, इसको अच्छे से हमने जाना, अच्छे से समझा, उसको थोड़ा सा और डिफाइन किया। अब हम दूसरे तीसरे पार्ट में इसको और डिफाइन करेंगे, इसके और अंदर जाएंगे तो और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसी डायग्राम के साथ हम और आगे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।